नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए बुधवार को लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस पहुंचे। उनसे पूछताछ के विरोध में पार्टी नेता और कार्यकर्ता आज भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई महिला कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गई, पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। वहीं कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिस के बाहर टायर जलाकर अपना गुस्सा दिखाया है। जी हां, आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि प्रशासन के इशारे पर पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं को पीट दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को रोका जा रहा है, यह लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस कार्यालय प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस का आना गैरकानूनी था। यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कहने पर हुई है। जी बता दें आपको, मंगलवार को पूछताछ का दूसरा दिन था। राहुल गांधी से ईडी अफसर ने पहले राउंड में 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की। वहीं लंच ब्रेक के बाद करीब 6 घंटे तक सवालों का सिलसिला चलता रहा। अधिक समय तक पूछताछ चलने को लेकर एजेंसी का कहना है कि राहुल के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में ज्यादा वक्त लग रहा है। दोनों दिन कांग्रेस कार्यालय के बाहर हुए हंगामे के कारण वहां धारा 144 लागू कर दी गई। जी हां, आपको बता दें, मंगलवार को राहुल के साथ पैदल मार्च करके जा रहे कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को घसीट कर पुलिस ने वैन में बैठा लिया। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यालय के पास लगे बैरिकेड पर रोके जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दिल्ली पुलिस से झड़प हो गई। उन्होंने पुलिस से कहा कि आप एक मुख्यमंत्री को नहीं रोक सकते, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया। इससे पहले राहुल अपने घर से प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ओपन एरिया में बातचीत की। यहां से रणनीति तैयार होने के बाद राहुल ईडी दफ्तर के लिए रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।